हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आए हो, सब अच्छे होंगे और सब अच्छे ही होने चाहिए। सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू जिन्होंने हम पे भरोसा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वंस अगेन। तो आज मैं लेके आई हूँ इंदलो पटरी बाज़ार का पार्ट टू, जो कि है किड्स वेयर स्पेशल। पार्ट वन मैंने कल अपलोड किया था, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो पार्ट वन। तो मैंने इंदलो मार्केट में किड्स वेयर के लिए बहुत जगह एक्सप्लोर किया है, बहुत शॉप्स को एक्सप्लोर किया है। तो जहाँ पे मुझे ब्रांडेड क्लोथ्स देखने को मिले हैं और जहाँ पे मुझे सस्ते देखने को मिले हैं, तो मैंने उन शॉप्स को कवर करने की कोशिश की है। ओवरऑल इंदलोक मार्केट में तो बहुत ही अच्छे कपड़े मिलते हैं बच्चों के लिए। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज हमने अपनी वीडियो शुरू की है छोटी मस्जिद के पास से। ये देखिए रोड पे सबवे बना हुआ है, सबवे के पास ही ना आपको छोटी मस्जिद के पास एक ब्लैक सा बड़ा सा गेट मिलेगा बाजार में एंट्री करने के लिए। बिल्कुल एंट्री करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भैया ने एक 160 रुपीज़ में कपड़ों की सेल लगा रखी थी। ओवरऑल आपको इंद्रलोक में इस टाइम 160 रुपीज़ में सेल में बहुत अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं। ये सारे कपड़े समर्स के हिसाब से हैं, मतलब आप इस साल लेंगे तो अपने बच्चों को इस साल ही पहना सकते हैं और अगले साल भी आराम से पहना सकते हैं, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है। फैब्रिक की बात करें, फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट था। गर्ल और बॉय के आपको वहाँ पे कपड़े दोनों अवेलेबल रहेंगे। न्यू बॉर्न से लेके आपको 7-8 साल के बच्चों के मिलने वाले हैं कि भैया ने सेल लगा रखे थे। बिलून के साथ वाले दुकान पर ही भैया ने 200 से लेके 250 रुपीज़ में गर्ल्स के टॉप की सेल लगा रखी थी। अगर साइजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 से 4 साल से लड़की का लेके 10-12 साल की लड़की का टॉप और फुल ड्रेस दोनों मिलने वाले हैं। मुझे प्राइस काफ़ी फेयर लगी टॉप्स की। 130 रुपीज़ में भैया ने शर्ट्स की सेल भी लगा रखी थी। शर्ट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, साइजेस भी वही 3-4 साल से लेके 10-12 साल के लड़के का। ये देखिए ये रोड है, ये ब्लैक गेट है, ये एंट्री है छोटी मस्जिद के पास। राइट हैंड साइड पे अगेन 160 रुपीज़ में सेल लगी हुई थी। ये भैया यहाँ पर हमेशा 160 रुपीज़ में सेल लगाते हैं। इनकी वैरायटी 2 से 3 हफ्ते में चेंज होती है। फैब्रिक की बात करूँ, फैब्रिक बहुत अच्छा रहता है। और साइजेस की अगर बात की जाए, साइज़ आपको न्यू बॉर्न से लेके 7-8 साल के बच्चे का आराम से यहाँ पे आपको 160 रुपीज़ में ड्रेस मिलने वाली है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट शॉप पे। दानिश लेदर जैकेट का जो बोर्ड लग रहा है उसके नीचे अंकल जी 300 रुपीज़ में कोट पैंट का सेट दे रहे थे, शेरवानी का सेट दे रहे थे, काफ़ी अच्छा था और ये न्यू था। इस बार अंकल जी डब्बे वाले कपड़े लेके आए थे। डब्बों के वाले कपड़ों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। 200 रुपीज़ की सेल लगा रखी थी। न्यू बॉर्न से लेके आपको 3 साल तक के बच्चों के यहाँ पे ड्रेस आराम से मिलने वाले हैं। और समझ के हिसाब से कपड़े हाफ पैंट में थे, किसी में जीन्स का बॉटम था, किसी में फैब्रिक का ही बॉटम था। ओवरऑल अंकल जी के पास काफ़ी अच्छे और ब्रांडेड कपड़े आए हुए थे। मैंने इस बार ब्रांडेड कपड़े से ज़्यादा फोकस किया है इस वीडियो में। अगर आप आएँ तो अंकल जी के पास 8 बजे तक पहुँच जाइए, नहीं तो इनका माल छट जाता है। और 12 बजे तक तो इनकी दुकान का मतलब पता नहीं रहता कि अंकल जी हैं या कहाँ हैं। बिल्कुल अंकल जी के अपोजिट ही जुनैद भाई की शॉप है। यहाँ पे इन्होंने 160 रुपीज़ की सेल लगा रखी थी। और जगह के हिसाब से ना, इस वाली लाइन में जिसमें जुनैद भाई बैठते हैं, आपको कपड़े थोड़े से अलग वैरायटी के मिलने वाले हैं। इस पूरी लाइन की बात कर रही हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको ना क्वालिटी और डिज़ाइन इस वाली लाइन में अलग ही मिलने वाले हैं, यानी कि अच्छे मिलने वाले हैं। और प्लीज़ आप यहाँ पर 8:15 तक पहुँच जाइए, क्योंकि लेडीज़ आके यहाँ पर जल्दी आती हैं और अपनी मनपसंद कपड़े ले जाती हैं, तो फिर छठे माल में से फिर दिल नहीं करता लेने का। सो प्लीज़ आप यहाँ पे सुबह सुबह जल्दी आइए, आपको बहुत अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं। इस हफ्ते ना पता नहीं भैया का शायद मूड अच्छा था, इसलिए उन्होंने 160 का सेल लगा रखा था, नहीं तो यहाँ पे ना 250-350 तक के कपड़े बिकते हुए मैंने यहाँ पर देखे हैं। 350 तक की सेल में से मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पर ड्रेस लेके जा चुकी हूँ, तो शायद इस टाइम बिक्री कम हो रही है इसलिए 160 की सेल लगी हुई है। काफ़ी अच्छे न्यू बॉर्न से लेके आपको 10-12 साल तक की बेबीज़ के लिए कपड़े आराम से मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो आप आइए और चेकआउट कीजिए अपने आप। 160 रुपीज़ में तो आपको इस टाइम पूरे इंद्रलोक में बाहर आई हुई 160 रुपीज़ की काफ़ी अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छे हैं, फैब्रिक इन कपड़ों का काफ़ी अच्छा रहता है, 2 या 3 साल तक आपके कपड़े कहीं नहीं जाने वाले हैं। और कलर कॉम्बिनेशन भी ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था। देखिए अगेन ये ब्रांडेड ही था और ये ना कम से कम 8 साल के तक के बेबी के लिए आने वाला था 160 रुपीज़ में नाइट वेयर। ये निकले जुनैद भाई हैं, उनके साथ वाली शॉप पे बिल्कुल यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको 160 रुपीज़ में सेल मिलने वाली है।
लेकिन यहाँ पे आपको डिज़ाइंस ना बिल्कुल अलग मिलने वाले हैं और जगह के 160 रुपीज़ की सेल के हिसाब से। यहाँ पे आपको गर्ल और बॉय के कपड़ों के काफ़ी अलग डिज़ाइंस और काफ़ी न्यू डिज़ाइन ये कह सकते हैं फ्रेश डिज़ाइन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो आप आए प्लीज़ 8 बजे यहाँ पे पहुँच जाएँ, क्योंकि 8 बजे के बाद ना यहाँ पे माल छपना शुरू होता है। 10 बजे तक तो आपको यहाँ पे सिर्फ छटा हुआ माल ही मिलने वाला, तो प्लीज़ आप सुबह जल्दी आएँ तो आपको काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस यहाँ मिलने वाले हैं। साइजेस हर दुकान पे वही होते हैं, न्यू बॉर्न से लेके 10 या 12 साल तक के बच्चे के आपको यहाँ पे कपड़े अच्छे मिलने वाले हैं। और आप हमारी वीडियो में अभी हमने वीडियो शुरू ही की है, आखिर तक बने रहिएगा। आपको मैं एक ऐसी शॉप दिखाने वाली हूँ जहाँ से आप कपड़े लिए बगैर आ ही नहीं सकते हैं, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। उस शॉप का मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगी और वहाँ पे मैं आपको कपड़े दिखाने की कोशिश करूँगी किस तरह के कैसे कपड़े मिलते हैं। चलिए हम आ गए नेक्स्ट शॉप पे। कामिल भाई बिल्कुल निशा बेकरी के ऑपोजिट बैठते हैं, ये 350 की सेल लगाते हैं। यहाँ पे आपको कमाल के कपड़े मिलने वाले हैं और आपको यहाँ पे 16 नंबर साइज़, जो बच्चों का सबसे छोटा नंबर साइज़ होता है 16 नंबर साइज़ से लेके आपको यहाँ पे 38 साइज़ तक मिलने वाला है। ये बच्चों के साइज़ होते हैं 16, 18, 20, 24। आपको यहाँ पे सब साइज़ अवेलेबल मिलने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अगेन सुबह ही आना पड़ेगा। काफ़ी अच्छे ट्रेंडी डिज़ाइन आपको मिलने वाले हैं, सारी मॉल वाली क्वालिटी होने वाली है। आप ऐसा सोच लीजिए कि इंदौर लोग मार्केट में नहीं घूम रहे हैं, आप लोग मॉल में घूम रहे हैं और अपना चूज़ करके लेके जाइए। लेकिन अगर चूज़ करना है तो प्लीज़ सुबह जल्दी आइएगा, तो आपको बहुत अच्छे और बहुत प्यारे डिज़ाइन मिलने वाले हैं अपने बच्चों के लिए। ये देखिए कितने प्यारे कपड़े हैं, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट रहता है और काफ़ी चलने वाले ये कपड़े रहते हैं। ये हैं कामिल भाई, यहीं लगाते हैं ये शॉप। अब हम आ गए इंदौर लोक मार्केट के चप्पल मार्केट वाले रोड पे। चप्पल वाली मार्केट में ये 250 रुपये के दो पीस मिल रहे थे। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, झोले भटूरे वाले भैया बैठते हैं उस रोड पे, बस एक ही जगह, उनके पीछे ही यहाँ पे आपको कॉर्नर की दुकान ये मिलने वाली है। 300 रुपीज़ के पीस थे ये भैया ना, सच में मॉल वाली क्वालिटी नहीं लेके आते, ये कपड़े होते ही मॉल के हैं। एक्चुअली ना अगर किसी मॉल में अगर कोई मॉल बंद हो जाता है सडनली, या फिर कोई और भी रीज़न होता है, तो मॉल वाले लोग ना कपड़े सेल आउट कर देते हैं कम रेट में। तो भैया हमारे लिए ना बस थोड़ा सा अपना मार्जिन जोड़ के यहाँ पे हमारे लिए कम रेट पे लेके आते हैं। भैया ने ये भी मुझे बताया कि ना हमारे पास ना क्वालिटी वाले कपड़े रहते हैं, आप टैग चेक करिए, पैसे चेक कीजिए टैग के ऊपर, फिर बताइए कि ये कपड़े सस्ते हैं या नहीं हैं। ये 350 रुपये का पीस था और सच में बहुत ही प्यारा पीस था, समर्स के हिसाब का ये पीस था। ये देख लीजिए, आपको मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आसपास की जगह। ये छोले भटूरे वाले भैया के पास कॉर्नर में आपको ये शॉप मिलने वाली, कस्टम वाले भैया है ना उनके बिल्कुल सामने मिलेगी आपको चप्पल मार्केट में। ये देख लीजिए कपड़ों की वैरायटी आपको इस शॉप पे बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। 350 रुपीज़ की भैया ने सेल लगा रखी थी, और जो मैं आपको ऊपर भी टंगे हुए कपड़े दिखाने वाली हूँ ना, वो 450, 150, 250 साइज़ पर मैटर करता है कि आप किस साइज़ के कपड़े ले रहे हैं, उस पे ये डिपेंड करता है कि भैया आपको क्या रेट देने वाले हैं। अगर आप इस शॉप पे गए ना, तो कोई चीज़ कुछ ना कुछ आप ख़रीद के ज़रूर लेके आएंगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपनी बेटी के लिए ख़रीद के ले आती हूँ यहाँ से, क्योंकि कपड़े इतने अच्छे होते हैं भैया के शॉप पे, सो मैं ले कर ही आती हूँ कुछ ना कुछ। इस बार भी लेकर आई थी। भैया ने ये बताया है कि ना नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट नेक्स्ट वीक मेरे पास बिग बाज़ार का सेल आउट का सामान आने वाला है, यहाँ के कपड़े देने वाले आने वाले हैं। फिर भी अभी भी भैया के पास बहुत ही अच्छी जेन्युइन क्वालिटी के कपड़े आए हुए हैं। अगेन ये सारे के सारे ब्रांडेड हैं, तो आप आंखें बंद करके ले सकते हैं यहाँ से कपड़े, आप पछताएंगे नहीं। और काफ़ी कम पैसों में होते हैं, क्योंकि मैं अपने बेटे के मॉल से कपड़े ले चुकी हूँ। 1500 रुपीज़ में एक जोड़ा पड़ता था, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 450 रुपीज़ में ये ड्रेस था, पार्टी वेयर ड्रेस था, देखिए कितना क्यूट ड्रेस है। और ये साइज़ की बात करें 20 साइज़ था। ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छे कपड़े यहाँ मिलने वाले हैं, ये भैया आपको शॉप पे मिलेंगे। अब हम आ गए नेक्स्ट शॉप पे। डिस्पेंसरी के बिल्कुल बैक साइड ब्रांडेड टॉवल के जो अंकल हैं उनके साइड में ये भैया बैठे थे। 160 रुपीज़ की सेल लगा रखी थी। अगेन ये टी शर्ट ब्रांडेड थी 160 रुपीज़ में, और साइज़ की बात करें 16 से स्टार्ट था। और जीन्स की भी इन भैया ने 160 रुपीज़ की सेल लगा रखी थी। प्रिंट और डिज़ाइन भैया के पास शर्ट्स के बहुत ही अच्छे थे, हाफ फुल स्लीव में दोनों थे। देखिए काफ़ी अच्छी वैरायटी भैया के पास थी। वह भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन धूप की वजह से ज़्यादा लोगों ने पर्दा लगा रखा है, तो पता नहीं चलता कि बैकग्राउंड का। बिल्कुल इनकी दुकान के ऑपोजिट के भैया हमेशा कपड़ों की दुकान लगाते हैं, और यहाँ पे आपको फिर से ही मिलने वाले हैं। 150 to 350 रुपीज़ भैया की रेंज रहती है, यानी कि पीस के हिसाब से होता है कौन सा पीस कितने रुपये का, वो भैया ही आपको बताएंगे। लेकिन भैया ने बताया कि कम से कम मेरे पास 150 रुपये से ज़्यादा 350 रुपये का ड्रेस मुझे यहाँ पर मिलने वाला है।
काफ़ी अच्छे भैया के पास कपड़े रहते हैं। ये देखिए आपको डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, कलर्स भी अच्छे मिलने वाले हैं और साइजेस भी आराम से 12-13 साल के बच्चे के आपको यहाँ पे आराम से मिलने वाले हैं। ये देखिए भैया के पास ना गर्ल्स की ना डिज़ाइनर ड्रेस बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, तो आप आएँ तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल इन भैया के साथ वाली शॉप में ना 180 से लेके 200 रुपीस में अंकल जी यहीं सेल लगाते हैं किड्स फुटवेयर की। मैंने सोचा कि ना कपड़ों के साथ साथ थोड़ा सा ना बच्चों के फुटवेयर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाए जाए, तो किड फुटवेयर के यहाँ पे 180 या 200 रुपीज़ हैं। पार्टी वेयर अंकल जी सारे के सैंडल्स रखते हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर बच्चा ना 1 साल या 1.5 साल तक लगातार पहने तो तब भी नहीं टूटने नहीं वाला, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने बता रही हूँ। काफ़ी अच्छी रहती है भैया की यहाँ पे कलेक्शन, देखिए नई से नई कलेक्शन भैया जी लेकर आते हैं। हफ्ते से 2 हफ्ते में वैरायटी यहाँ पे चेंज हो जाती है, आपको यहाँ फ्रेश वैरायटी ही मिलेगी। अब हम आ गए हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के झूले वाले के पार्क के अगली वाली गली में। यहाँ पे 250 रुपये से लेके 70 रुपीज़ तक के बच्चों के कपड़ों की सेल लग रही थी। सेल की क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पर एक आंटी की शॉप है, वो बच्चों के कपड़ों को ही सेलिंग करती हैं। थर्सडे वाले दिन वो बाहर कपड़े लगा देते हैं क्योंकि पटरी मार्केट लगती है। ओवरऑल आंटी के पास डिज़ाइंस बहुत अच्छे रहते हैं, काफ़ी कम रेट में आंटी जी कपड़े देती हैं। तो ये देखिए फ्रॉक्स वगैरह 500 में, ये देखिए 500 पीस में ये फ्रॉक थी, बहुत ही प्यारी ये फ्रॉक थी। और जब छोटी बेबी पहनेगी ना तो वो बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं, बिल्कुल जैसे फेरी। ये देखिए ये पार्टी वेयर लहंगा था। प्राइसेस मैं इसीलिए अवेल नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए आप जाएंगे पर्सनली प्लीज़ देख लीजिएगा। आगे शॉप का ओवरव्यू है, वहीं आपको मुर्सलिन अंकल की दुकान है ना उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट शॉप में मिलने वाली है। अब हम आ गए हैं बेकरी वाली गली में जो कि हारून भाई की शॉप के बिल्कुल अपोजिट शॉप है। ये है नरेश भाई की शॉप। नरेश भाई हमेशा यहाँ पर 200 से लेकर 250 रुपीज़ के किड्स फुटवेयर की सेल लगाते हैं। काफ़ी अच्छे फुटवेयर भैया के पास रहते हैं, क्वालिटी वाइज तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, 2 साल तक तो ये फुटवेयर कहीं नहीं जाने वाले हैं। और वैरायटी इनके हर हफ्ते चेंज होती है, इस बार कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। तो देखिए मल्टी कलर में अलग से ही चमक मार रहा था ये धूप में। बड़े क्यूट क्यूट से भैया फुटवेयर लेके आते हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे, जैसे बड़ों के डिज़ाइन होते हैं ऐसे ही भैया बिल्कुल रेप्लिका बच्चों का डिज़ाइन लेके आते हैं। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे फुटवेयर नरेश भाई लेके आते हैं। नरेश भाई ना मना करते हैं कि आप मेरी फ़ोटो मत लीजिए, इसलिए देखिए बस मैं ओवरव्यू दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये हाउस होल्ड वाले भैया बैठते हैं उसके साथ में, नरेश भाई यहाँ पे शॉप लगाते हैं अपने, 200 से लेकर 250 रुपीज़ की यहाँ पे आपको सेल मिलने वाली है। नरेश भाई के पास आपको फुटवेयर की क्वालिटी वही मिलने वाली है जो आप ना मॉल में जाके खरीदने वाले हैं या बड़े बड़े शॉप में खरीदने वाले हैं, वो भी 800-9000 रुपये दे के आप वो क्वालिटी के सामान लेंगे। लेकिन यहाँ पे आके आपको फुटवेयर वही 200-250 रुपीज़ में मिलेगा। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि आप पटरी मार्केट से लेके जाने वाले हैं वही चीज़ या मॉल में जाके लेने वाले हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स टोटली योर डिसीजन। सो देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छी रेयर क्वालिटी आपको नरेश भाई के यहाँ पास मिलने वाली है। तो आप इंदौर लोक मार्केट आएँ तो प्लीज़ एक दफ़ा, अगर आपके ना छोटे छोटे बच्चे हैं तो एक दफ़ा यहाँ पर आके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नरेश भाई की शॉप से ही आगे यानी कि बेकरी वाली गली में शोएब भाई की दुकान है। मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको एक ऐसी शॉप बताऊंगी जहां से आप कपड़े लिए बगैर जा ही नहीं सकते अपने किड्स के लिए। यहां पे आपको इतने अच्छे बेहतरीन कपड़े मिलने वाले हैं और डिज़ाइनर, मैं कह सकती हूँ डिज़ाइनर यहां पे आपको कपड़े मिलने वाले हैं। मैं रेट नहीं बताऊँगी इस शॉप पर क्योंकि रेट ना वीक टू वीक वेरी होते रहते हैं, मतलब हर वीक ना ये रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो प्लीज़ आप पर्सनली आइए और चेकआउट कीजिए, यहाँ पे आपको ड्रेस बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, डिज़ाइनर ड्रेस मिलने वाली है। और अगेन वही मैं कह रही हूँ ना, आपको बड़ी बड़ी शॉप्स और मॉल सी क्वालिटी यहाँ पे मिलने वाली है शोएब भाई की दुकान के ऊपर। शोएब भाई ना रेट कम नहीं करते हैं, अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल बहुत ही अच्छी है ना, बहुत ही अच्छी कह सकती हूँ, तब शोएब भाई कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन शोएब भाई ना रेट कम नहीं करते हैं। फिर भी मैं आपको एक रेट का आइडिया दे देती हूँ। भैया के पास आपको 250 से लेके ना 800 तक की ड्रेस 800 के अंडर आपको मिलने वाली है, यानी कि आपको बहुत बड़ा साइज़ लेना है ना तो वो 800 में या 750 में मिल जाएगा। या कह सकते हैं डिज़ाइनर ड्रेस बहुत अच्छी वाली है तो आपको मिल जाएगी, सारे के सारे ड्रेसेस ब्रांडेड होने वाले हैं आपको। यहाँ पर 450 में बहुत ही अच्छा ड्रेस मिलने वाला है, लेकिन आप ना प्लीज़ सुबह ही आइएगा, 8:30 तक भैया की शॉप पर पहुँच जाइएगा क्योंकि ना फिर भीड़ हो जाती है तो आगे जाने का भी टाइम नहीं मिलता। पार्टी वेयर ड्रेस भैया के पास बहुत ही प्यारी प्यारी मिलती है, देखिए ग्लिटरी ड्रेस
वन पीस ड्रेस था ये, और ये 3 साल के बच्चे का था। ये देखिए बहुत ही प्यारा ये पीस था। इसका एक कलर वेरिएंट भी था ब्लू कलर का, लेकिन रेड कलर ज़्यादा बेटर लग रहा था। ये देखिए सारे के सारे ना कपड़ों पे आपको टैग मिलने वाला है। ये कह सकते हैं ये है बिल्कुल ब्रांडेड वाले ड्रेसेस की दुकान। अब हम आ गए हैं निशा बेकरी से राइट हैंड साइड पे रास्ता जा रहा है पार्क की साइड। 250 रुपये में भैया ने फॉक्सी सेल लगा रखी थी। अगेन सारी की सारी ब्रांडेड थी। टॉप जीन्स का भी था, यानी कि निकर के साथ टॉप्स भी थे। और ये देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन, ये बताए सारे के सारे ब्रांडेड ड्रेस थे। और 250 की सेल में यहाँ पे भैया ने सेल लगा रखे थे। साइजेस की बात करें तो आपको 16 नंबर से लेके यहाँ पे 32 नंबर अवेलेबल होने वाला है। ये वाले भैया ने सेल लगा रखे थे। इसी गली में 160 रुपीज़ में सेल लगी थी। मुझे ऐसा लगता है कि पाली पूरी वाली गली निशा बेकरी के जो आप आगे चलेंगे ना, तो राइट हैंड साइड पर पार्क के साथ वाली गली, यहाँ पर आपको सिर्फ बच्चों के कपड़े मिलने वाले हैं। ये आपके ढूंढने के ऊपर है, लेकिन आपको बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे और ब्रांडेड कपड़े इस गली में मिलने वाले हैं। लेकिन आपको वही मैं बताती हूँ कि आपको 8 बजे तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए। 160 रुपीज़ में ये जीन्स थी। साइजेस की बात करें तो वही स्मॉल से लेके, यानी कि आपको 2-3 साल से बच्चे के लेके 10-12 साल तक जीन्स मिलने वाली है। 160 रुपीज़ में ये सेल्स लगी हुई है। देखिए बहुत ही प्यारे ब्रांडेड आपको यहाँ पर कपड़े मिलने वाले हैं। ये पूरी गली देखिए, ये पूरी की पूरी गली में आपको बहुत ही अच्छे कपड़े मिलने वाले हैं। ये भी 160 रुपीज़ है। ये मैंने मुझे बताया पेपिटो की भी कोई कंपनी है। आप प्लीज़ ना जाके ना गूगल पे चेक कीजिएगा। पेपिटो कंपनी के भैया के पास कपड़े थे। भैया ने बताया काफ़ी महंगे कपड़े आते हैं। भैया ने मुझे इसका ना वो भी दिखाया था टैग भी। ये आप ना मैडम चेक कीजिएगा, देखिए हम कितने सस्ते में कपड़े यहाँ दे रहे हैं। और ना देखिए आप रेट टैग देखिए और ये कंपनी में चेकआउट कीजिएगा कि इन कंपनी के कपड़े कितने के मिलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी चेकआउट कीजिएगा पेपिटो कंपनी के कपड़े हैं कितने के, और यहाँ पे 160 रुपीज़ में यहाँ मिल रहे हैं। फिर आपको ना बीच का अंतर पता चल जाएगा कि कितना सस्ते यहाँ पे आपको ब्रांडेड कपड़े मिलने वाले हैं। इन्हीं पेपिटो कंपनी वाले भैया के ऑपोजिट बिल्कुल पार्क के साइड में ही 225 रुपीज़ में भैया ने कॉटन की शर्ट्स की सेल लगा रखी थी। बहुत ही सॉफ्ट वाली कॉटन, जिसे कहते हैं ना अच्छी वाली, जो बड़े बड़े शॉप्स में मिलते हैं, जो बहुत महंगी वाली होती हैं शर्ट्स। मैंने टैग दिखाने की कोशिश करी है क्योंकि बहुत भीड़ थी और लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश करी है। देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी ये शर्ट्स थी। ये पोलो कंपनी की थी येलो वाली, और इनके तो एक मिला था 225 रुपीज़ का। यहाँ पे बच्चों के और अडल्ट की दोनों की शर्ट्स मिल रही थी, और अलग अलग कंपनीज की ये शर्ट थी। ओवर में दिखा नहीं सकती क्योंकि गर्मी की वजह से इन लोगों ने सारा पर्दा लगा रखा था। लेकिन ये देखिए ये पार्क है और इधर ही मिल रही है। बिल्कुल थोड़ा सा आगे चलने के बाद इस गली में एक राइट कट है, फिर उस कट के सामने भैया ने 350 रुपीज़ में शेरवानी और कोट पैंट की सेल लगा रखी थी। क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। ये देखिए 350 रुपीज़ में सेल लगा रखी थी। शायद गर्मी है और इतने हैवी कोई कपड़े पहने का नहीं, इसलिए भैया ने शायद सोचा कि ये कपड़े सेल में निकाल दिए जाएँ। लेकिन इस सेल पे भी इतनी भीड़ थी कि वीडियो बनाने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर भी मैंने कोने से बैठ के ये वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि मैं दिखा सकूं कि इंदर लोक मार्केट में आपको पार्टी वेयर सूट्स भी मिल सकते हैं बच्चों के लिए। ये पार्टी वेयर ही कुर्ता पजामा था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था। और इसके कुर्ते पजामे कपड़ा ये सिल्क का था, बहुत ही प्यारे ये कपड़े और डिज़ाइनर ये कपड़े थे। कि देखिए ब्लू कलर था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब हम आ गए हैं ओबीस भाई की शॉप पे। ये ओबीस भाई 100 रुपीज़ में इन्होंने बच्चों की जींसेस की सेल लगा रखी थी। बच्चों का साइज़ 40, तो बच्चों के साइज़ थोड़े से अलग रहते हैं, जो 16 से लेकर 40 तक जाते हैं। ये 40 तक साइज़ तक की जीन्स अवेलेबल थी, प्लेन जींसेस थी, क्योंकि बच्चों के फैशन में भी आजकल ट्रेंड में प्लेन जींस चल रही हैं। बिल्कुल ये देखिए ये पार्क है, ये भैया की शॉप है, और काफ़ी अच्छी जीन्स देते हैं। फोटो यही है भैया का कि वो हमेशा जीन्स ही सेल करते थे, और काफ़ी अच्छी जीन्स भैया की शॉप पर निकलते हैं। ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ क्योंकि भैया की शॉप से हम काफ़ी साल से जीन्सेस वगैरह खरीदते हुए आ रहे हैं। लेकिन भैया ने अपना ब्रांडेड बच्चों के कपड़े सेल की भी काम कर शुरू कर दिया है। रीसेलर्स इनसे बहुत ज़्यादा कपड़े लेके जाते हैं। मैंने यहाँ पे ना टैग के साथ आपको कपड़े दिखाए हैं और मैंने रेट बताया 250 रुपये। आप प्लीज़ कंपेयर कीजिएगा कि टैग पे क्या रेट है और ना रियल रेट क्या है इन कपड़ों का जो भैया हमें दे रहे हैं, तो कितना फ़र्क पड़ रहा है और कितने परसेंट का फ़र्क पड़ रहा है। मेरे ख्याल में तो कम से कम 70% का फ़र्क पड़ रहा है इनके रियल रेट में और जो भैया हमें रेट दे रहे हैं। तो ये थी हमारी किड्स वेयर की आज की इंदरलोक पटरी बाज़ार की वीडियो। मैंने पूरे बाज़ार को एक्सप्लोर करने के बाद आपको कुछ शॉप्स दिखाई हैं जहाँ पे मुझे अच्छे ब्रांडेड कपड़े देखने को मिले हैं। तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। और प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।